बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों और लुटेरों से भी बच कर रहें। नाज़रीन ISMART ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से एक नई डेवलपमेंट मेरे सामने आई थी। मैंने सोचा जो परेशान हाल इन्वेस्टर्स हैं इस आस उम्मीद में बैठे हुए कि उनको रेंट मिलेगा, उनका पैसा उनको वापस मिलेगा, एक तो उस हवाले से अपडेट देनी है कि शौकतुल्लाह मरवत के ख़िलाफ़ अब मजीद घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। शौकतुल्लाह मरवत नो डाउट वो दावा तो कर रहा है कि मैं पाकिस्तानी अवाम को, इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करूंगा। कब करूंगा ये प्रोग्राम में मैं आगे चल के बताऊँगा। मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, मेरा काम है आप तक हकायक पर मबनी चीज़ें पहुँचाना, क्योंकि यहाँ पर जो लालची लोग हैं वो चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और फिर उसके बाद चीखो पुकार करते हैं कि उनका सरमाया डूब गया है। फिर इसके साथ साथ आपको मालूम है कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक थे, जो चेयरमैन थे जानजेब आलम, वो भी अब बिल्कुल स्क्रीन से गायब हो चुके हैं। एक उन्होंने वीडियो बयान जारी किया और उसमें कहा जी कि वो लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, लोगों को पैसा वापस देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं। फिर आपको ये भी मालूम है कि अलसफ़ा ग्रुप हो गया, स्मार्ट ग्रुप हो गया, इन्होंने भी लूट मार की, ये भी अब भागने के चक्कर में है। फिर अब एक और कंपनी, एक और नौसरबाज मार्केट में सामने आया है और वो ये दावा कर रहा है कि वो महाना 6 से 15% प्रॉफिट देगा। वन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैं जिक्र करूंगा कि वो लोग दावा कर रहे हैं कि 2020 से सोलर पैनल पर काम कर रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि वो बछड़ों का काम करेंगे। जिन लोगों को बछड़ों का नहीं पता तो उनको बता दूं कि जो जानवर होता है, ठीक है, वो बछड़े के लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और वो दावा करते हैं कि हम 130 से 140 किलो वजन जब होगा तो वो गोश्त स्लाटर हाउस पे लेके जाएंगे, वहाँ से उनको कटवाया जाएगा और फिर वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। गोश्त जो है एक्सपोर्ट करने के बाद हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वो लोग ये भी दावा करते हैं कि 15 से 90 दिन तक बछड़ा हम अपने पास रखेंगे। वन टेक ग्रुप के जो मालिक हैं, ज़ुबैर हनीफ इनका नाम है, इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारा काम है कि आपको हकाई पर मबनी स्टोरी देना। हम हवाओं में तीर चलाने के आदि नहीं हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो जो कहा, जिस जिस कंपनी के मतलब जो जो तहफ़ात थे वो सारे आपके सामने रखे और आप देख लें कि वही कंपनीज मालिक जो अब पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, जो नौसरबाज, जो कमीशन एजेंट थे, मुख्तलिफ कंपनीज को उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ पे अब दोबारा लूट मार का उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर रखा है। अब हाल ही में ISMART के बाद अल हयात हो गया, स्मार्ट ग्रुप हो गया, अलसफ़ा ग्रुप के भी दिन गिने जा चुके हैं। वो भी आप देखिएगा कि मलिक तौकीर अवान, वो उस जैसा बड़ा नौसरबाज जब यहाँ से फरार होगा तो आप लोग तब यकीन करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था। खैर बाद में करूंगा अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज की, तो आपको अब मैं क्या बात बताऊं कि जानजेब आलम कह रहा है कि यकम से विड्रावल मिलना शुरू होंगे और आज 25 मई है, यानी कि 6 दिनों के बाद देखते हैं कि क्या अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स को पैसे वापस मिलेंगे, उनको रेंट मिलेगा, या जो 30 मई को ऐलान किया गया है मुल्कगीर एहतजाज का, और वो जो एहतजाजी मुजाहरीन है वो इन्वेस्टर्स हैं कि जिन्होंने अपनी जमा पूंजी अल हयात ग्रुप में लगाई थी, वो अब इस्लामाबाद उनका पड़ाव होगा, आखिरी मंजिल इस्लामाबाद होगी, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड ऑफिस होगा और उन मुजाहिरीन का, उन इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि जब तक जानजेब आलम से मुजाकरात नहीं होंगे वो वहाँ पे धरना देंगे। ये तो 30 मई को मालूम होगा कि क्या 30 मई को एहतजाजी मुजाहिरीन आते हैं या जानजेब आलम उनसे पहले ही मुलाकात करके सेटलमेंट कर लेता है। ISMART ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैंने कहा था कि आपको अपडेट देनी है। ISMART ग्रुप ऑफ कंपनीज की नाजरीन अपडेट ये है कि आपको मालूम है कि शौकतुल्लाह मरवत पाबंदे सलासल है, उसके ऊपर मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुझे किसी ने वॉइस नोट भेजा और उस वॉइस नोट में उस शख्स ने यह कहा जी कि शौकतुल्लाह मरवत बहुत जल्द बाहर आने वाला है और जब वो बाहर आएगा तो फिर उसके बाद वो अपने तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल्ड करेगा। लेकिन उससे पहले मैं उस कॉलर को ये बताना चाहता हूँ, वो जो वॉइस नोट से जारी किया था, कि शौकतुल्लाह मरवत इतनी जल्दी अब बाहर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज हैं, थाना कराची कंपनी में 2 और मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। एक मुकदमा है चेक डिसऑनर का, यानी कि 489F का, और एक मुकदमा है 406 का, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। जो 406 का मुकदमा है वो मुकदमा नंबर 571 है। शाहिद साहब ने ये मुकदमा दर्ज करवाया और इन्होंने बड़ी हिम्मत की है कि इन्होंने कमीशन एजेंट का नाम इस मुकदमे में लिखवाया और उसने कहा जी कि एक शख्स जिसका नाम रिजवान है उसने मुझे कहा कि ISMART ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप सरमायाकारी करें, तो मैं इनके दफ्तर G81 में गया, गली नंबर 12 में, और वहां पे जाके मैंने इन्वेस्टमेंट की 50 लाख रुपए की 2 नवंबर को। फिर इस
जो मदई मुकदमा है इसने ये भी कहा जी, मुझे कहा गया कि 80% आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद इसी मदई ने कहा जी 15 नवंबर को मजीद मैंने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और 3 साल की मुद्दत की वो इन्वेस्टमेंट थी, जिसका प्रॉफिट मुझे जो बताया गया कि 80% आपको महाना प्रॉफिट मिलेगा। अब वो शख्स यानी कि वो मदई मोहम्मद शाहिद ये कहता है ना तो मेरी रकम मुझे वापस दी गई और ना ही मेरा जो 55 लाख रुपया है वो मुझे दिया गया, ना ही कोई ऐसा प्रॉफिट मुझे दिया गया। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि 406 का ये मुकदमा थाना कराची कंपनी में हुआ है और इसमें रिजवान नामी वो कमीशन एजेंट जो घेर कर लाया था शाहिद को, उसको भी नामजद किया गया है। क्योंकि मैं आपको भी बार बार ये कह रहा हूँ कि इन कमीशन एजेंटों को आप जब तक नामजद नहीं करेंगे आपका सरमाया आपको वापस नहीं मिलेगा। इन कमीशन एजेंटों को लाजमी अपने मुकदमात में नामजद करें। फिर इसी थाने में यानी कि कराची कंपनी थाने में एक मुकदमा नंबर 574 दर्ज हुआ है। अबू बकर हैं, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, चेक डिसऑनर का मुकदमा है। वो ये अपने मुकदमे में कहते हैं कि 9 अगस्त 2023 को मैंने इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपया और मुझे कहा गया जी 3 माह बाद आपको 80% प्रॉफिट के साथ 9 लाख रुपया आपको मिलेगा 10 दिसंबर 2023 को। यानी कि 9 अगस्त को इन्वेस्टमेंट की और 10 दिसंबर 2023 को कहा जाए आपको 9 लाख रुपया दिया जाएगा जो आपने सरमायाकारी की, जो चेक दिया गया था वो चेक डिसऑनर हो गया। अब ना तो असल रकम दी जा रही है ना ही प्रॉफिट दिया जा रहा है। थाना कराची कंपनी में ये जो 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं शौकतुल्लाह मरवत के खिलाफ, क्योंकि शौकतुल्लाह मरवत सेंट्रल जेल अडयाला में है, अब इसको थाना कराची कंपनी में लाया जाएगा, यहाँ पे इन दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जाएगी। और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि शौकतुल्लाह मरवत जो दावे कर रहा है कि मैं बाहर आकर आपको पैसे दूंगा, देखें जब इंसान फंसा होता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जो वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा था, वो अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा था, दोबारा उसी ज़िंदगी में जाए तो वो आपको इसी तरह के लॉलीपॉप देता रहेगा और आपसे दावे करता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको रिलीफ मिला तो उसने आपका पैसा नहीं देना, उसने इस मुल्क से भाग जाना है। फिर मैंने कहा वन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं जिनका नाम जुबैर हनीफ है, लाहौर की ये कंपनी है, ये लोग ये कहते हैं जी कि 2020 से सोलर पैनल का काम कर रहे हैं, चाइना से इम्पोर्ट करवाते हैं और वेयर हाउस में 10 से 15 कंटेनर्स, ये बहुत बड़ी तादाद है नाजरीन, 10 से 15 कंटेनर्स इनके वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। वेयर हाउस कहाँ पे है किसी को कुछ मालूम नहीं, जो इन्वेस्टर हैं उनको सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाए गए, उनको सिर्फ PDF शेयर की गई कि आ हमारा ये प्रोजेक्ट है। फिर ये कहते हैं जी कि हमने 2 जनवरी से बछड़ा फार्मिंग के नाम से एक बिजनेस शुरू किया है, 9 कनाल का फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस में 15 दिन से 90 दिन तक हम बछड़ों को रखते हैं, 130 से 140 किलो जब उनका गोश्त होता है तो उनको ज़बह किया जाता है स्लाटर हाउस में, वहाँ से ये गोश्त जो है ये एक्सपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे नाजरीन ये लोग दावा करते हैं कि हम 1 लाख के ऊपर 6 से 15 हज़ार रुपया प्रॉफिट देते हैं, 10 लाख के ऊपर 60,000 से 1.5 लाख रुपये, यानी कि 6 से 15% महाना प्रॉफिट देंगे। माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि जो वन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं जुबैर हनीफ जिनकी लाहौर में कंपनी है, इन्होंने भी आपसे फ्रॉड करना है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी अर्निंग और इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता, सिर्फ मनी रोटेशन है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको ये कहा जाएगा कि आप 1 लाख रुपया दें, फिर आपके पैसों में से ही 6,000 या 8,000 आपको वापस दिया जाएगा। इंसान लालच और हवस का पुजारी है, वो फिर दीगर और लोगों को बताता है, तो इस तरह मनी रोटेशन करके आपका पैसों पर अयाशी भी मारते हैं ये नौसरबाज और फिर उसके बाद इस मुल्क से फरार भी हो जाते हैं। वन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज भी ये भी टोटली एक फ्रॉड है। तो खुदा रहा आप इन कंपनीज इन वेबसाइट्स के चक्रों में मत पड़े, आपका सरमाया डूब जाएगा। देख लें कितने लोग डूबे हुए हैं, कितने लोग खुदकुशियां कर चुके हैं, कितने लोग कत्ल भी हो चुके हैं। ये नौसरबाज ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये कमीशन एजेंट अपने पाव गोश के लिए अगले की पूरी बैल जबा कर देंगे। इन्होंने कंट्रोल नहीं होना जब तक इनको मुकदमात में नामजद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कमीशन एजेंट जब इनको काबू किया जाएगा, जब इनको गिरबान से पकड़ा जाएगा, तो फिर कोई भी कंपनी वाला नुसरबाजी नहीं करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।